दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपने 57 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। इस ऐलान से बीजेपी में घमासान मच गया। जिन नेताओं को टिकट मिला उनके चेहरे खिले हैं, जबकि जिन नेताओं का पत्ता कटा उनका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया है। इसलिए आज सुबह ही बीजेपी के नेताओं ने पार्टी मुख्यालय पहुंचकर हल्ला बोल कर दिया। करीब 2 दशक से दिल्ली की सत्ता से दूर रही बीजेपी इस बार अपनी वापसी की तलाश में जुटी है। पार्टी की कोशिश है कि वो किसी भी तरह से आपको मात देकर दिल्ली के दिल को जीत ले। इसलिए बीजेपी आपके बागियों पर ही दाव लगा रही है, लेकिन इस दाव के चक्कर में वो अपने नेताओं को ही नाराज कर रही है। जी हां, बीजेपी ने जब से चुनाव को लेकर 57 उम्मीदवारों की सूची जारी की है, तब से पार्टी में हंगामा मचा है। टिकट न मिलने से नाराज नेताओं ने बगावत का झंडा बुलंद कर दिया। शुक्रवार को टिकट बंटवारे के बाद आज सुबह गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के 100 से अधिक पदाधिकारी अपना इस्तीफा देने पार्टी दफ्तर पहुंच गए। इनका विरोध है कि पार्टी ने अपने कैंडिडेट करण सिंह तंवर को छोड़कर आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक अनिल वाजपेयी को टिकट दिया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि पार्टी अपने नेताओं को तवज्जो न देकर बाहरी को बढ़ावा दे रही है, जबकि पार्टी को बनाने में हमने मेहनत की है। इसी आरोप के साथ कुछ समर्थकों ने जेपी नड्डा के घर के बाहर प्रदर्शन भी किया और अपनी ही पार्टी के खिलाफ नारेबाजी की। इस हंगामे से साफ है कि बीजेपी में टिकट बंटवारे के बाद से ही बगावत तेज हो गई है, जो पार्टी के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। पहले ही दिल्ली की सत्ता तक पहुंचना बीजेपी के लिए बेहद मुश्किल है। अब देखना होगा कि बीजेपी इस बगावत को कैसे थामती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।